नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ में अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के गंज बासोदा से। यहाँ त्योंधा तहसील में अंग्रेजी शराब की दुकान पर छोटे छोटे बच्चे शराब खरीद रहे हैं, तो वहीं दुकान संचालक बच्चों को खुलेआम शराब की बोतलें भी बेच रहे हैं। जबकि भारतीय अधिनियम के अनुसार नाबालिग बच्चों को शराब बेचना कानूनन अपराध है, लेकिन दुकानदार अपनी मोटी कमाई के चलते सभी नियमों को ताक पर रखकर अपना धंधा चला रहे हैं। ताज़ा मामला तो सामने आया जब एक स्कूली छात्र शराब की दुकान पर शराब लेने गया। स्थानीय लोगों ने जब स्कूली छात्र को शराब खरीदते देखा तो इसका विरोध भी किया। इस संबंध में कलेक्टर ने भी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। विधानसभा क्षेत्र में अवैध शराब का कारोबार बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। ठेकेदार अपना माल खपाने के लिए गाँव गाँव गली गली में अवैध तरीके से शराब बेच रहे हैं। पिता क्या नाम है, कौन सी क्लास पढ़ते हो? ये कौन है जो तुम्हें लेके आया संगे? दुआ भैया हैं जी। फिर जी लेके क्यों आए तुम्हें? अभी हाल ही में आपने मेरी संज्ञान में इस बात को लाए हैं। इसमें थाना प्रभारी को बोलता हूँ मैं, और मैं भी आबकारी विभाग को बोलूँगा, इस पर जो वैधानिक कार्रवाई हो वो की जाए। और ये बच्चों को बहुत गलत है कि बच्चों को शराब बेची जा रही है, इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और हम इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो करेंगे और थानेदार को बोलकर मैं कार्रवाई करूँगा। इंडिया खबर लाइव के लिए गंज बासोदा से LN चौबे की रिपोर्ट।